सबसे पहले मैं जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, जितने भी श्रोता हैं, देवतारूपी श्रोता, सबको प्रणाम और गणपति बप्पा मौर्य। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और पिछले साल भी मैंने मेरे घर पे बप्पा आए थे और इस साल भी हम आए हैं और जब तक हम लोग रहेंगे इनकी सेवा करते रहेंगे और इनके चरणों में अपने कुछ पल बिताएंगे। और क्योंकि आज हम लोग जो भी हैं आज इनके दुआ से यहाँ पे हैं और जो भी हमने पाया है कहीं ना कहीं इनका आशीर्वाद और इनका कृपा रहा है तभी हम आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। जो भगवान हमें इतना बड़ा बना के भेज दिया है तो अगर भगवान के लिए भी हम एक दिन टाइम नहीं निकाले तो फिर तो हमारी ये सबसे बड़ी गलत बात है। और ऐसा तो हर इंसान को नहीं सोचना चाहिए कि इंसान से बढ़कर भगवान होता है और भगवान से बढ़कर इंसान नहीं होता है। हम मानते हैं कि भक्त बड़ा होता है भगवान से, लेकिन भगवान से बढ़कर भक्त तभी होता है जब उसकी पूजा होती है। अब जब वो अपने भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप देता है तब वो बड़ा हो जाता है उसके कृपा से। तो आज अगर हम इतने बिजी होते हैं तो बिजी भी इन्होंने ही किया है और इनके लिए एक दिन टाइम निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। मैं बप्पा से, बप्पा ने जो दिया है अगर मैं उसी को संभाल के चलूँ तो शायद आजीवन मुझे तकलीफ नहीं होगी। और बप्पा ने इतना बड़ा नाम दिया है, इसी नाम को मैं चाहूँगा जब बप्पा जब तक मैं जीऊँ इसी नाम के साथ ऐसे ही रुतबा मेरा बना रहे और मुझे मेरे पब्लिक का आशीर्वाद मिलता रहे और मेरी पब्लिक मेरे से कई गुना ज़्यादा खुश रहे। जब वो खुश रहेगी तो शायद खेसारी लाल यादव के भी घर में खुशहाल होगा और दिए जलते रहेंगे और ऐसे ही दीपावली मनती रहेगी। क्योंकि मेरे घर में दिया जलता है तो इनके घर के पैसे से आता है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा बप्पा से यही कहूँगा कि हमारी पब्लिक इतनी खुश रहे कि इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। मैं डिले का एक कारण है कि बाढ़ में बहुत सारे लोग तबाह हो चुके हैं, बहुत सारे घर तबाह हो चुके हैं और इसके वजह से हम लोगों ने फिल्म को आगे कर दिया कि जब हर घर में बजेगा माता का गीत तभी होगी हमारी प्यार की जीत। तो जब माता का गीत बजेगा तो हम होगी प्यार की जीत को लेके आएंगे और सबके साथ खुशियाँ बांटेंगे। इस दुख की घड़ी में हम लोग अपनी फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते और इस दुख की घड़ी में हम बिजनेस नहीं कर सकते और उनके दुख के पैसे, उनके तकलीफ के पैसे से हम अपनी फिल्मों को नहीं चला सकते हैं। अदरवाइज दुनिया क्या करती है, बाकी लोग क्या करते हैं, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा नुकसान और मेरा फ़ायदा दोनों भी इनसे जुड़ा हुआ है तो मैं बाकी लोगों की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इनके तकलीफ में हूँ और आजीवन रहूँगा। ये जब तकलीफ में रहेंगे तो मेरी अपनी तकलीफ है और उस तकलीफ के साथ मैं भी हूँ। तो मैं आज बप्पा से बहुत सारी मन्नतें मांगी कि बप्पा हमारे जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको अच्छे से रखो और उनके छत, उनके सर से जो छत हटा है वो जल्दी उनके सर पे आ जाए, उनकी तकलीफ जो हुई है वो तकलीफें जल्दी दूर हो जाए और वो खुशहाल रहें ताकि हम लोग भी उनकी खुशियों में शामिल होकर अपने आप को खुश रखें। आज मैं जब था तो उस समय हम लोग का थोड़ा सा ऊंचाई पे घर है तो हम लोग के घर में कभी कभी बाढ़ की पानी आती थी, लेकिन इतना मैंने कभी नहीं देखा जो अभी की स्थिति मैंने देखा। छपरा, सिवान, गोपालगंज, छपरा में तो कुछ ज़्यादा ही बाढ़ से परेशान लोग थे, इतना कि मैंने अपने आँखों से देखा। मेरे बड़े भैया बुलबुल मिश्रा जी ने वीडियो भेजा था तो जब देखा तो खुद में रो पड़ा और भैया से बोला तो भैया ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ मदद की लोगों का और बाकी कई जगहों का वीडियो भैया ने मुझे बना के भेजा। तो बहुत दिल को तकलीफ हुई कि अगर मैं शायद आज यहाँ नहीं होता तो मेरा भी घर उस घर में से एक होता, लेकिन नहीं, आज उतने सारे घर से हमारा घर चलता है। तो मेरा शुभकामना उनके साथ है कि वो जल्दी से उभर जाएँ उस बाढ़ की चीज़ों से, अपने तकलीफों से, ताकि हमारे घर में खुशियाँ जल्दी से लौट जाएँ। पति बप्पा मेरे, गणपति बप्पा मेरे, हरि लो कलेश, जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। आज तक डेकोरेटर नहीं किए, हमारी मेहरारू जो खरीद देती है पहन लेते हैं और हम 500 में वो खरीद के लाए हैं। बढ़िया बढ़िया था तो हम बोले कि नहीं अभी थोड़ा सा परेशान है हम भी, क्योंकि हमारे बिहार में बहुत सारे तकलीफ है। तब हम 5000 के कहे कि हम डेकोरेटन करें, भगवान
छोटी सी भी में रहते हैं तो खुश रहेंगे, कुछ पैसा बचा के हम उनकी मदद करेंगे जो जिनके सर सर से छत नहीं है। आप बोलो, पूछ रहे हैं अंकल कुछ। आप पापा से कुछ मांगिए, मांगियो एक आईपीएस बनूं और मैं पढ़ने में बहुत अच्छी बनूं और मैं आईपीएस बन के सबको अरेस्ट करूं। नहीं, क्योंकि ये मेरे पापा है।